न्यूरोथेरेपी में जब डॉक्टर लाजपत राय मेहरा जी रिसर्च कर रहे थे तो लेटेस्ट जो उनकी रिसर्च थी, मतलब उनके जाने से पहले, वो पॉइंटों के नेचर को समझ रहे थे। यानी कि पॉइंटों के नेचर में अगर हम कुछ, जैसे कैल्शियम बनाना है तो गुरुजी ने ये बताया कि कैल्शियम हमारा एक न्यूट्रल भी होता है, कैल्शियम एक एसिड भी होता है, कैल्शियम एक अल्कलाइन भी होता है। इतनी अंदर की रिसर्च, यानी कि अगर हम बाजार में कैल्शियम लेने जाएं तो कैल्शियम के रूप में मिलेगा हमें, वो ऐसा नहीं मिलेगा कि एसिडिक कैल्शियम है, अल्कलाइन कैल्शियम है या न्यूट्रल कैल्शियम है। लेकिन न्यूरोथेरेपी इतनी एडवांस रिसर्च पे पहुंच गई कि उसने एसिडिक कैल्शियम बनाया, अल्कलाइन कैल्शियम बनाया और न्यूट्रल कैल्शियम बनाया। इनकी जरूरत पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। जैसे अगर हमें पेशेंट को कैल्शियम लेवल तो बढ़ाना है, एक पहला तो डिसीजन ये हुआ कि कैल्शियम तो देना ही देना है, यानी कैल्शियम लेवल बढ़ाना है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन क्या है, एसिडिक है। पेशेंट की कंडीशन क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक पेशेंट की कंडीशन में अगर हमें कैल्शियम को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो भी हम ट्रीटमेंट देते हैं उस चीज को डाउन करने के लिए देते हैं। जैसे एसिड ट्रीटमेंट अगर हम देते हैं तो एसिड को डाउन करने के लिए देते हैं, तो वहां पर हम एसिडिक कैल्शियम देंगे जिससे कि कैल्शियम तो बढ़ेगा लेकिन एसिड भी डाउन होगा। तो उनको कौन से कैल्शियम की आवश्यकता है, एसिडिक कैल्शियम की आवश्यकता है, तो एसिड डाउन हो और कैल्शियम भी बढ़ जाए। लेकिन अगर पेशेंट को अल्कलाइन बढ़ा हुआ है और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, यानी कि मसल्स स्टिफ है, मसल्स हार्ड है, तो उस और कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उस समय पर हमें कौन से कैल्शियम की आवश्यकता है, कैल्शियम तो देंगे लेकिन अल्कलाइन कैल्शियम देंगे जिससे कि अल्कलाइन डाउन होगा और कैल्शियम लेवल बढ़ेगा। अगर उनको ना एसिड बढ़ा हुआ है ना अल्कलाइन बढ़ा हुआ है तो हम सिंपल न्यूट्रल फॉर्मूला देते हैं कैल्शियम का, जिससे कि ना तो एसिड बढ़ेगा, एसिड डाउन होगा, ना अल्कलाइन डाउन होगा, कैल्शियम बढ़ेगा केवल। तो ऐसे ही गुरु जी ने इस एसिड और अल्कलाइन को अप एंड डाउन से बताया कि जब भी लिखा हो लिवर अप, यानी कि अल्कलाइन को डाउन करने के लिए लिवर अप हो गया, लिवर डाउन यानी कि एसिड को डाउन करने के लिए लिवर हो गया। तो उस समय पर अब हम लिवर के पोजीशन को देखें तो इस तरीके से ये कोई पेशेंट है, लिवर का पहला पॉइंट हाथ और पैर दोनों पे देते हैं, लिवर के दूसरा पॉइंट बीच में देते हैं, लिवर का तीसरा पॉइंट नीचे देते हैं। तो इसमें जो पहला है इसका इफेक्ट कहां होगा, अगर हम इंटेस्टाइन की मूवमेंट के हिसाब से देखें तो इंटेस्टाइन को अगर हम देखें तो ये हमारी इंटेस्टाइन का असेंडिंग कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, यानी कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक न्यूट्रल है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ये एक ट्रांसवर्स कोलोन है, ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इसकी कल्पना मैं अपने ऊपर करूं तो ये पार्ट जो है मेरा असेंडिंग कोलोन है, ये पार्ट मेरा असेंडिंग कोलोन है, ये पार्ट मेरा ट्रांसवर्स कोलोन है, ये मेरा डिसेंडिंग कोलोन है। और नेचर के हिसाब से मैं बात करूं तो जो असेंडिंग कोलोन है ये मेरे राइट साइड की बॉडी के पार्ट में आता है, तो राइट साइड की बॉडी मेरी अल्कलाइन बॉडी होती है, यानी कि यहां पर नेचर के हिसाब से देखें तो यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी, क्योंकि मोशन अभी अभी लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करा है, मोशन पूरा लिक्विड है और पूरा लिक्विड मोशन है, तो उसमें क्या है, अल्कलाइन की मात्रा ज्यादा है, यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है। तो जब मैं पहला पॉइंट दूंगा लिवर का तो ये अल्कलाइन नेचर को ठीक करेगा, अल्कलाइन को डाउन करेगा। तो पहला पॉइंट जिसको हम अप पॉइंट कहते हैं ये लिवर अप हो गया, क्योंकि पहला पॉइंट है अप साइड में है, तो पहला पॉइंट अप हो गया, इसको हम बोलते हैं अल्कलाइन का पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है वो बीच में इफेक्ट करेगा, क्योंकि बीच में इफेक्ट करेगा इसका मतलब ये है कि इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है, इसमें पानी नॉर्मल है, क्योंकि यहां से पानी का एब्जॉर्ब होना शुरू होता है। हमारे मोशन जब आगे बढ़ता है असेंडिंग कोलोन में, ट्रांसवर्स कोलोन में, डिसेंडिंग कोलोन में, तो यहां पर सबसे ज्यादा चीजों में जो पानी एब्जॉर्ब होता है, तो यहां पानी सबसे ज्यादा है, धीरे धीरे पानी एब्जॉर्ब होता चला जाता है, फिर यहां आते आते पानी की कमी होती चली जाती है, और इसी वजह से हमारे सिग्मोइड कोलोन और हमारे ट्रांसवर्स कोलोन के और डिसेंडिंग कोलोन के शुरुआत में यहां पर या यहां पर
इतने एरिया में कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिपेशन यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक कहीं पर भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए न्यूरोथेरेपी में ये जो एरिया है ये कॉन्स्टिपेशन का एरिया माना जाता है, ये एरिया कॉन्स्टिपेशन का एरिया है। जब हम किसी व्यक्ति को चेक करते हैं तो ये जो एरिया है ये कॉन्स्टिपेशन का एरिया होगा, और कॉन्स्टिपेशन सबसे ज्यादा हमारा कहां होगा, सिग्मॉइड कॉलन में होगा। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या होगा, पानी की कमी, जो लोग पानी कम पीते हैं या पानी कम होगा तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो यानी कि इस एरिया में पानी की कमी होगी, इस एरिया में पानी की अधिकता है, यहाँ पानी की कमी है, तो ये एरिया क्या हो गया, एसिडिक नेचर हो गया। यानी कि कॉन्स्टिपेशन हमारी एसिडोसिस की समस्या है, लूज मोशन एल्कलोसिस की समस्या है। तो यहां से हमने पता करा कि यहां पानी की कमी है इसलिए यहां पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और पानी की कमी जहां होगी वहां एसिड बड़ा होगा और एसिडोसिस की समस्या होगी। यानी कि ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, तो यहां से डाउन क्या होगा, ये तीसरा वाला डाउन हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, तो ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। तो जो बीच वाला हिस्सा है ये ना एसिड होगा ना अल्कलाइन होगा, यानी कि ये न्यूट्रल होगा, ये न्यूट्रल हो गया। तो लिवर के तीन पॉइंट बने, और गुरुजी ने लेटेस्ट जो रिसर्च जब जा रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी रिसर्च हमारे सामने खड़ी कर दी, ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि लिवर के भी तीन फंक्शन हो सकते हैं, लिवर के भी तीन नेचर हो सकते हैं। और ये मेडिकल साइंस की बहुत बड़ी रिसर्च है, मेडिकल साइंस के सामने बहुत बड़ी बात उन्होंने सामने रखी कि लिवर का नेचर अलग है, लिवर का नेचर एसिडिक भी है, अल्कलाइन भी है, न्यूट्रल भी है। न्यूरोथेरेपी इनको तीनों पॉइंटों को स्टिमुलेट करना जानती है, यानी कि तीनों नेचर पर काम कर सकती है। तो जब हम अल्कलाइन लिवर दें, यानी कि अल्कलाइन को डाउन करने के लिवर दें, तो उसे बोलते हैं लिवर अप, यानी कि अल्कलाइन वाला लिवर, लिवर डाउन यानी कि एसिडिक वाला लिवर, और अगर हमें न्यूट्रल देना है तो बीच वाला लिवर, जो कि हमारा ट्रांसवर्स कोलन के रूप में। मैंने आपको ये उदाहरण दिया, ये उदाहरण के माध्यम से समझाया कि हमारा एक तरफ एसिड अल्कलाइन है, एक तरफ एसिड है, बीच में न्यूट्रल है। लेकिन कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनमें हम केवल दो ही पॉइंट देते हैं, जैसे पैरा अप पैरा डाउन। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहां पर, सेवन लिवर अप, सेवन फोर पैरा अप, सेवन लिवर जीरो अप, सेवन म्यूको जीरो अप। दूसरा फॉर्मूला लिखा, सेवन लिवर डाउन, फोर पैरा डाउन, सेवन लिवर जीरो डाउन, सेवन म्यूको जीरो डाउन। तो ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। यहां पर लिवर का पहला पॉइंट जो बार बार हम ऊपर दे रहे हैं, अब पैरा पॉइंट केवल दो ही पॉइंटों में दिया जाता है। पैरा पॉइंट अगर हम देखें एक और दो, तीन और चार, यानी ये दो ही पॉइंट है, तीसरा तो पॉइंट है ही नहीं। तो यहां पर जो पहला पॉइंट बना, जो ये पहला पॉइंट है, ये हमारा अप बनेगा, ये लिवर जो पैरा हमारा ये अप बनेगा, ये डाउन बनेगा। कोई पहला पॉइंट यहां पर क्या था, अप, तीसरा पॉइंट क्या था, डाउन। तो यहां पर जो पहला पॉइंट हो गया ये अप हो गया, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया, है ना। तो यहां पर फोर पैरा अगर हमें देना है अप, तो चारा पॉइंट केवल हम इस वाले पॉइंट को देंगे, ये वाला पॉइंट जो डाउन वाला है ये वाला पॉइंट नहीं देंगे। ऐसे ही सेवन लिवर जीरो डाउन, सेवन म्यूकस जीरो डाउन। अगर हम म्यूकस जीरो की बात करें, किडनी की बात करें, तो इस तरीके से हम किडनी को स्टिमुलेट करते हैं, यहां एक पैर रखते हैं कंधे के बाजू में और एक पॉइंट यहां देते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अप हो गया। जब हमें बीच में दूंगा तो ये न्यूट्रल हो गया, और तीसरा दूंगा तो ये हमारा एसिड हो गया। तो सेवन लिवर जीरो, ये सेवन लिवर जीरो हो गया, तो सेवन लिवर जीरो अप, इसका मतलब हो गया पहला पॉइंट ही मुझे देना है। सेवन लिवर जीरो मतलब कि पहला पॉइंट ही देना है। सातों पॉइंट मुझे कौन से देने हैं, ऊपर वाले ही देने हैं, बीच वाले नीचे वाले नहीं देने हैं। और इसी प्रकार म्यूकस जीरो में भी सेवन म्यूकस जीरो अप, यानी कि सेवन म्यूकस जीरो वाला पहला पॉइंट देना है, सेकंड और तीसरा नहीं देना है। जब हम सेकंड फॉर्मूले की बात करते हैं, सेवन लिवर डाउन, सेवन फोर पैरा डाउन, सेवन लिवर जीरो डाउन, सेवन म्यूको जीरो डाउन, तो हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। सेवन लिवर डाउन का मतलब तीसरा पॉइंट लिवर का, फोर पैरा डाउन यानी कि ये वाले पॉइंट चारों जाएंगे, अब अप वाले नहीं जाएंगे।
सेवन लिवर जीरो डाउन, यानी कि नीचे वाला तीसरा पॉइंट जाएगा हर बार, सातों पॉइंट नीचे वाला जाएगा। सेवन मीको जीरो डाउन यानी कि ये वाला नीचे वाला जाएगा, फिर अप वाला नहीं जाएगा। ये हमारा अल्कलाइन कैल्शियम हो गया, ये हमारा एसिडिक कैल्शियम हो गया, तो ये दोनों ही अलग हैं। और न्यूट्रल कैल्शियम क्या होता है, सेवन लिवर फोर पैरा सेवन लिवर जीरो सेवन मीको जीरो, ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च हर ऑर्गन्स के बारे में गुरुजी ने बताई कि एसिड और अल्कलाइन अलग अलग काम करते हैं, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो सेवन लिवर अप सेवन लिवर सेवन लिवर डाउन, ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और यहाँ हमें समझना कि ये हमारा इंटेस्टाइन जो है हमारी, ये राइट साइड की, यहाँ पानी की मात्रा ज्यादा है, ये डिसेंडिंग कॉलोन है, यहाँ पानी की मात्रा कम है, तो ये एसिडिक नेचर है, ये अल्कलाइन नेचर है, ये एसिडिक नेचर है। और गुरुजी हमेशा शुरू से कहते हैं कि हमारी राइट साइड की बॉडी अल्कलाइन नेचर की होती है, हमारी राइट साइड की बॉडी अल्कलाइन नेचर की होती है, हमारी लेफ्ट साइड की बॉडी एसिडिक नेचर की होती है। इसी वजह से किडनियां हमारी, राइट किडनी अल्कलाइन को फिल्टर करती है एसिड, और लेफ्ट किडनी हमारी एसिड को फिल्टर करती है, क्योंकि वो राइट साइड में है। तो राइट साइड वाली की किडनी हमारी अल्कलाइन को फिल्टर करती है, लेफ्ट साइड की किडनी हमारी एसिड को फिल्टर करती है। और इसी तरीके से अप वाला जो पॉइंट होगा वो अल्कलाइन होगा, डाउन वाला पॉइंट जो होगा वो एसिडिक होगा।